गाइस आप सबको एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडियन ट्रैकिंग ब्लॉग। तो भाई टाइम हो रहा है अभी 7:30 का, रात का हम यहाँ पे पहुँचे थे भाई 2:30 बजे। पिछले ब्लॉग में अपने देख लिया होगा, तो अभी गेट से हुई बात, तो कह रहे 9 बजे आप गाड़ी की पर्ची बनवा लेना, उसके बाद गाड़ी अंदर ले आना। वो रही पीछे भाई फैक्ट्री, यहाँ से हमको गाड़ी अंदर टर्न ले जानी है। तो होंगे भाई पेपर रोल लोड होंगे, उसके लिए पहले थोड़े गाड़ी के बत्ते वगैरह खोलने पड़ेंगे। भाई गाड़ी हो रही है अपने श्रीनगर की लोड। अभी भाई बारिश का मौसम, बारिश लगी है, फ़ोन पे ही बारिश पड़े जा रही है, मैंने सोचा आपको दिखाऊं भाई बारिश। तो अंदर ही पूरा पानी भर चुका है, यहाँ से पानी अपने आप ही बाहर आ जा रहा है। तो पहले गाड़ी भी करनी पड़ेगी अंदर से थोड़ी साफ़, फिर पेपर होंगे लोड। तो बारिश की वजह से गाड़ी भाई थोड़ी साफ़ होगी अपनी। अब बस श्रीनगर जाएंगे ना भाई तो बहुत बुरी हाल हो जाएगी रास्ते की। आगे चाय लेने के लिए क्योंकि 9 बजे एंट्री करवानी है, उससे पहले सोचा चाय वगैरह पी लें। चाचू बना रहे हैं चाय, चाय के साथ दूध ले जाएंगे, फैन, फिर करते हैं गाड़ी लोड। अब बारिश भी रुक चुकी है, बाहर मौसम हो गया अच्छा, आज तो चाचू गर्मी भी नहीं है इतनी। चाय तो ली हमने पी, अब थोड़ी गाड़ी के अंदर से कर रहे हैं भाई साफ सफाई। पानी आ गया बहुत ही गंदा यहाँ पे, तो इसको निकालना है। बाकी पीछे गाड़ी पूरी अपनी साफ है, बारिश आई बारिश। गाड़ी जा रही है फैक्ट्री के अंदर लोडिंग के लिए, स्लिप मिल गई है। तो अब देखते हैं यार पेपर रोल लोड होते हैं या कुछ और। गाड़ी के बत्ते हमने चाबी सारे डीले कर लिए, अगर पेपर रोल लोड हुए तो हम बत्ते कर लेंगे, खोल लेंगे। तो चलते हैं अंदर ही, अभी भी वेट ही कर रहे हैं कब तक होती है गाड़ी लोड। वो पीछे एक लाल कलर की गाड़ी लगी है, उसके बाद अपनी टर्न है। तो अभी टाइम 10 बज चुके हैं, सोच रहे जल्दी लोड हो जाती ना तो वैसे जल्दी निकल सकते, अगर रास्ते में पुलिस वाले होंगे तो थोड़ा लेट ही निकलेंगे। यहाँ से हमको फिर मुजफ्फरनगर पर चढ़ जाना, यहाँ से 150 किलोमीटर, उसके बाद शामली से होते हुए भाई करनाल, तो करनाल से आगे अपना सीधा रास्ता जम्मू को। तो कल कार्रवाई है भाई श्रीनगर की, कोशिश पूरी है कल कार्रवाई करने की, बट हो नहीं सकती क्योंकि जम्मू जाकर तेल वगैरह डालना है। तो जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे। और श्रीनगर का व्यूज़ भाई क्या पूछो, क्या मस्त व्यू होता है मौसम में ठंडा, तो वहाँ का व्यू भी आपको जरूर दिखाएंगे। मैं खुद सोच रहा था भाई यार श्रीनगर जाए ना तो आपको कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिले, नई चीज़ देखने को मिले यार श्रीनगर। आप मतलब आपको तो पता है कि उसको जम्मू इन पूरे इंडिया का ताज कहा जाता है, हम आपको ताज भी बताएंगे भाई। तो अभी देखते हैं यार कब तक होती है लोड। फाइनली लोडिंग हो गई है स्टार्ट गाड़ी की। ये पीछे है ना वाइट वाइट तोड़ों पे पेपर रोल, पता नहीं क्या है बीच में, यही हो रहा है लोड। 28-30 टन तक करेंगे, हाइट भी उतनी नहीं होनी चाहिए गाड़ी की, अगर हाइट ज़्यादा होगी तो चलान हो जाएगा। बस स्टार्ट होगी, अब बस तरपाल करेंगे, इसके बाद फिर एक नई जर्नी स्टार्ट। जोर लगा के बोलना के हाईशा गड्डी दे उपर चढ़, सेंटरी पैर रख के दो साइड दे बत्ते 2 मिनट च टाइट हो जाते हैं। उपर चढ़ जाल उपर लास्ट जा, शाबाश। पता चला ट्रक वाले मेहनत करते आ, खून पसीने की कमाई खाते, फिर भी लोग नहीं जीन देंदे। दूजी साइड काका डायरेक्ट हो जाता की गल, गर्मी ज्यादा वाधू आ गई। यार कलेटी नहीं है उपर धुप्प है ना, वाह वाह। तो भाई तरपाल हो गया अपना पूरा, 5 बज चुके हैं, पूरा तरपाल का देखो यार, ऐसे लगता है ना
सर पिच भी साफ होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पहाड़ है पूरे पहाड़, माल कहीं से ऊंचा कहीं से डाउन। थक गए आप जा रहे हैं, पानी लिया तो पानी पीते फिर निकलते हैं यहाँ से बिल्डिंग वगैरह लेके। भाई टाइम हो रहा है 5 और हम हो गए तैयार, रेडी टू फ्लाई। बिल्डिंग वगैरह मिल गई, सब डॉक्यूमेंट, बस गाड़ी निकालनी गेट से बाहर। तो आगे का देखेंगे भाई, नो एंट्री वगैरह नहीं है या है, तो भाई निकलेंगे अब यहाँ से। सफ़र बहुत लंबा भाई, यहाँ से जम्मू है तकरीबन 771 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के श्रीनगर, मतलब 1100 किलोमीटर का सफ़र अपना। तो करते हैं भाई तय, अपनी जर्नी समझ लो होगी स्टार्ट भाई। ये हम निकल रहे हैं फैक्ट्री से बाहर। ओ भाई आगे एक हरियाणा नंबर गाड़ी जा चुकी, किधर खड़ी है भाई। जर्नी होगी अपनी स्टार्ट वही रात, जब पिछला ब्लॉग देखा तो आते हुए यहाँ से मैं आया था, सिंगल रास्ता बिल्कुल, मतलब हाईवे है बट टाइट टाइट सी हाईवे है, साथ में जगह नहीं इतनी, तो वहाँ से जा रहे हैं अब। देखो भाई रात को कहाँ तक चलते हैं, क्या सीन बनता है, कहाँ तक आपको हम बता ही देंगे भाई। तो भाई टाइम बज रहे हैं 9 और हम अभी बिजनौर पहुँचने वाले मार्केट, यहाँ से मुजफ्फरनगर भाई अभी भी 50 किलोमीटर के लगभग है भाई। चावल चढ़ा दिए हमने, आपको पता डेली वर्क होता है भाई, जैसे गाड़ी चल रही है हम चलती गाड़ी पे खाना बना लेते हैं, उससे हमारा टाइम भी बचता है। तो उसके बाद भाई जी बनानी है आपको सब्जी, साग भी है और भाई जी शिमला मिर्च की सब्जी भी, अब देखते हैं भाई कौन सी सब्जी बनाते हैं। तो आप चलना भी है अभी, कोशिश है रात को चलना है, पर रात पूरी भी चलेंगे तभी सुबह हम जम्मू नहीं पहुँच सकते, तकरीबन 12 बज ही जाएंगे। देखो यार क्या बनता है, क्योंकि आगे शामली वाली रोड है भाई, वो थोड़ी दूर, उस पर भाई बहुत खड्डे रोड है, बहुत गंदी रोड है, उसमें वो काफ़ी टाइम लग जाता है। बिना पेट्रोल पंप पे डलवाने लगे हैं डीजल अपनी गाड़ी पे। तो अभी मुजफ्फरनगर थोड़ा पीछे से मैं डीजल डलवा लें, क्योंकि बाकी तो जम्मू से टंकी फूक रहेंगे, थोड़ा ही डलवाएंगे 200 लीटर डलवाएंगे यहाँ से, उसके बाद बाकी जम्मू से। यहाँ पे अपना पेट्रोल पंप है, यहाँ पे मालिक सभी गाड़ियों में तेल डलवाते हैं। डीजल हो गया गाड़ी में फिल, बस अब बाई कर रहे हैं उनसे बात, तो स्लिप वगैरह ले रहे हैं क्योंकि मालिक को स्लिप दिखानी पड़ती है ना कितना डीजल डाला। तो बस यहाँ से भाई निकलने वाले हैं, तो अब देखते हैं आगे का सफ़र करते हैं। टाइम भाई की हो रही है 11, खाना अपना हो गया भाई, जल्दी जल्दी में खाया तो उसका मैं ब्लॉग नहीं ले पाया, तो गाड़ी में थोड़ा पंखा ख़राब हो गया था, थोड़ा पंखा भी ठीक कर रहे थे ये वो करते 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 करते। तो भाई बस अब जस्ट निकलते हैं यहाँ से, तो देखते हैं थोड़ी देर के भाई गाड़ी चलाएंगे, उसके बाद अगर मैं चलाऊंगा फिर, मतलब मेरे पे डिपेंड है कि कितनी देर चलानी है उसके, जब तक चलाऊंगा उसके बाद टेक रेस्ट। तो भाई अभी भाई कर रहे हैं रेस्ट, मैं चला रहा हूँ गाड़ी। अभी ये शामली वाला रोड ही चल रहा है भाई, देखो इस रोड के बहुत बुरी हालात, तो अगर करनाल पहुँचेंगे कहीं हमें अच्छी रोड मिलेगी चलने को। तो भाई चल रहे हैं, रास्ते का बहुत बुरा हाल है भाई, रोड का काम चल रहा है इसी वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब रास्ते का हाल देखो भाई, अभी हम करनाल से भाई मैं 20 किलोमीटर पीछे पहुँचाऊँ, रास्ता ही ऐसा भाई क्या चल रहा है। करनाल पहुँचते हैं भाई, नींद भी काफ़ी आ रही है, टाइम 2 बज चुके हैं। करनाल पहुँच के भाई जी पीएंगे हमें चाय, रास्ता देखो भाई आ गया। तो गाय सब आ चुके हैं 6 लाइन पर, अभी भी जस्ट करनाल ही, अभी करनाल बस स्टैंड नहीं आया, तो अभी 6 लाइन पर आए। शीशा भी गंदा हो चुके हैं, आगे कहीं रुकते हैं ढाबे में, थोड़े शीशे साफ कर लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं फिर। भाई टाइम 3 बज रहे हैं और 12 बजे से मैं लगातार कंटिन्यू चल रहा हूँ, मतलब अभी तक उसने बाथरूम करने के लिए भी नहीं उतरा। बस भाई अब जाना है बाथरूम वगैरह और चाय वगैरह पीते हैं। भाई तो 4 बजने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, आँखें भी लाल हो गई हैं, मतलब नींद से ना सिर्फ बिल्कुल सोने हो रहा था, मेरा है ना वो गाड़ी आगे पीछे लग जाए। तो चाय पीते चल के, थोड़ा ही चलेंगे आगे चल के सो जाएंगे क्योंकि वीडियो एडिटिंग भी करनी है। पीते हैं चाय यार, फिर चलते हैं। चाय ली है पी अपन ने, तो वो रही अपनी गाड़ी जिसमें इंडिकेटर होने, तो थोड़ा ही चलेंगे आगे यार, फ़ायदा नहीं कल तो होनी नहीं कान भाई, थक गया हूँ मैं भी, 4 बजने वाले भाई, देखो थोड़ी थोड़ी सुबह भी होने वाली है। तो आगे तक कहीं सोते हैं यार साइड पे लगा के गाड़ी, सेफ जगह पे, यहाँ पे भी है बस थोड़ी लाइन से बाहर है। तो भाई
निकल के वहां से भाई, मैं तभी कहता हूँ यार रिस्पेक्ट करनी चाहिए ड्राइवर्स की। देखो यार कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, सब ड्राइवर, सभी टाइम भाई 4:10 कम 4 बज चुके हैं। मैं भी कुछ 12 बजे से अभी रुका हूँ पचाय पीने के लिए, उससे पहले लगातार ही चल रहा था। और सब भाई नींद भी काफ़ी आ रही है, और ब्लॉग को एंड करना और एडिटिंग करके सोना ना तो टाइम लग जाएगा। कोशिश है अम्बाला कैंट पर चढ़ चुके सोए, अभी अम्बाला यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, 5:30 वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद एडिटिंग करेंगे तो उधर सुबह हो जानी है। मेन रोड ये लगा दी मैंने गाड़ी साइड पार्किंग पे, बस भाई यहाँ पे सोना है यार, भाई यहाँ पे सोते हैं, इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करेंगे। तो अभी टाइम भाई हो रहा है 5:00 को भाई 10 मिनट कम, तो अभी एडिटिंग करते हुए 6 बज जाने हैं, तो उसके बाद भाई सोना है 2-3 घंटे, फिर सुबह उठ के भाई थोड़ी ड्राइव करेंगे आगे। भैया हम जितना सांद वाली साइड पहुँच के रुक जाएंगे, कल पूरा दिन वहीं स्टे करेंगे, क्योंकि दिन को यार ट्रैफिक वाले होते हैं, हम श्रीनगर की कार्रवाई हमारी होनी नहीं है ना इसलिए। तो भाई यार लास्ट में यही मैसेज होगा भाई रिस्पेक्ट ड्राइवर्स, देखो भाई 4 बज रहे हैं, पूरी रोड में भी गाड़ियाँ चल रही हैं, और सबसे ज़्यादा आपको ट्रक मिलेंगे, ट्रक बसेस सब, या जितने भी ड्राइवर हैं सब बहुत मेहनत करते हैं यार, बस पब्लिक ना उनको रिस्पेक्ट नहीं देती यार, हमारा यही है भाई रिस्पेक्ट ट्रकर्स एंड रिस्पेक्ट ड्राइवर्स। तो भाई इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं अपने कल के एक नए ब्लॉग पर, डेली लाइफ ब्लॉग पर। तो भाई गुड नाइट, जय हिंद, हम भी भाई सो लें अब।